तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से 2D में। आज हम डिस्कस करने वाले चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 12 रुपए 95 पैसे की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक 3.5% के करीबन की रैली दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 371 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में नीचे का एक डबल सपोर्ट बॉटम था 341 रुपीज का। 341 रुपीज के इस पॉइंट पर स्टॉक में एक सपोर्ट लेवल था और यहीं से स्टॉक में एक रिवर्सल ट्रेंड बनता हुआ नजर आया। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक रुकावट रेंज थी 382 रुपीज पर। 382 रुपीज पर स्टॉक में एक रुकावट रेंज थी। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा। अब स्टॉक देखें तो काफी टाइम से एक रेंज बोन में ट्रेड कर रहेगा और स्टॉक नीचे का ब्रेकडाउन नहीं दे पा रहा 340 रुपीज के प्राइस को और ऊपर स्टॉक में एक रुकावट रेंज है 381 रुपीज पर। तो अगर आप इस स्टॉक में एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 358 रुपीज 358 रुपीज इस पॉइंट पर स्टॉक में एक स्टॉप लॉस रखें। ऊपर के टारगेट अराउंड 400 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो इस स्टॉक में काफी बड़ी तेजी देखने को मिली है, परंतु आप इस स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा। तो एक बार स्टॉक 380 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर एक क्लोजिंग ले लेता है तो वहां से स्टॉक के अंदर एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा, पर जब तक स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट नहीं देता ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।